सो गुड मॉर्निंग एवरी वन सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिड्यूसबल एंड इड्यूसिबल एलिमेंट्स सो पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर इससे रिलेटेड एक थ्योरम करेंगे सो so, किसी भी लेट्स के किसी एलिमेंट को रिड्यूसबल या इ रिड्यूसबल बोलने के लिए हमें क्या चेक करना होता है हमने अगर कोई एक एलिमेंट लिया लेट से ए एक एलिमेंट लिया लेटिस का तो हम क्या करेंगे अगर हमें दो और एलिमेंट मिलते हैं ए वन और ए टू बिलोंग टू एल सच दैट ए वन इज ग्रेटर देन एल एंड ए टू इज ग्रेटर देन एल और हम इस ए को अगर हम ये जो दो एलिमेंट्स हमने ढूंढे थे इन दो सॉरी ए वन इज ग्रेटर देन एंड ए टू इज ग्रेटर देन ए एल से बड़े नहीं एल इज अटेस्ट ना? सो ए वन इज़ ग्रेटर देन ए एंड ए टू इज ग्रेटर देन ए और हम ए को अगर लिख पाए ए वन ज्वाइन ए टू तो ये एलिमेंट ये जो एलिमेंट ए है ये एलिमेंट रिड्यूसिबल होगा और अगर हम ऐसा ना ढूंढ पाए ऐसे दो एलिमेंट्स अगर हमें ना मिले जो इन दोनों की जॉइन बना के ए बना दे तो वो क्या होगा ए एलिमेंट होगा तो आई होप डेफिनेशन क्लियर है अब थ्योरम देखते हैं थ्योरम की स्टेटमेंट है

सो देखो ये थ्योरम स्टार्ट करते हैं पहले हम क्या प्रूफ करेंगे हम पहले कंसिडर करते हैं कि ए सी सी होल्ड करती है क्योंकि हमें गिवन है कि ए सी सी होल्ड कर रही है हम प्रूफ करने वाले हैं कि हम एल के हर एलिमेंट को जी एल बी ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ रिड्यूसिबल एलिमेंट में लिख सकते हैं बट उससे पहले हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि अगर ए सी सी में होल्ड करती है तो उस लेटिस के पास एक मैक्सिमल एलिमेंट होता है और वो मैक्सिमल एलिमेंट भी कैसा होता है इरिड्यूसीबल होता है सो द फर्स्ट थिंग इज कि वी नीड टू प्रूव कि इसके पास एक मैक्सिमल एलिमेंट है एलिमेंट ढूंढेंगे तभी उसको इरिड्यूसिबल या रिड्यूसिबल बताएंगे सो so पहले स्टार्ट करते हैं देखो फर्स्ट वी प्रूव दैट एल हैज मैक्सिमल एलिमेंट देन ईदर अब हमने क्या करेंगे एक एलिमेंट चूज करता है लेटेस्ट से लेटेस है नॉन एम होगा कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा सो लेट से ए वन इसका कोई एक एलिमेंट है तो वो एलिमेंट या तो मैक्सिमल एलिमेंट होगा या नहीं होगा दो ही चॉइसेस है ना एक एलिमेंट लिया है तो या तो वो मैक्सिमल होगा या नहीं होगा अगर ए वन मैक्सिमल है तो फिर तो ठीक है नहीं तो फिर कोई और एलिमेंट होगा जो क्या होगा क्योंकि ए वन नहीं है तो ए वन ए टू से छोटा हो जाएगा तभी मैक्सिमल नहीं बन रहा है ना देखो मैक्सिमल सबसे बड़ा अगर ये मैक्सिमल नहीं बना तो इससे बड़ा कोई और आया होगा सो इधर ए वन इज मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ एल और देयर एग्जिस्ट ए टू बिलोंग्स टू एल सच दैट ए वन इज लेस देन ए टू फिर सिमिलर प्रोसेस को फिर से कंटिन्यू करो तो याद अब ए एक और एलिमेंट मिल गया ना हमें लेटेस्ट का अब या तो ये ए मैक्सिमल एलिमेंट होगा और अगर ये मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है तो इससे बड़ा कोई और मिलेगा तो ए थ्री मिल जाएगा ऐसे ही अगर आप इस चेन को कंटिन्यू करते रहो ए थ्री या तो ए थ्री मैक्सिमल होगा या फिर ए थ्री से बड़ा कोई और मिलेगा तो ये प्रोसेस क्या कभी रुकेगी ये प्रोसेस नहीं स्टॉप होगी सो द अब प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एलिमेंट्स ए आई बिलोंग्स टू एल कान बी कॉन्टिन इनडेफिनेटली अब ये क्यों हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास जो लेटेस्ट गिवन है हमें गिवन है कि उस लेटस में असेंडिंग चेन कंडीशन होल्ड करती है तो अगर असेंडिंग चेन कंडीशन होल्ड करती है तो उसकी कोई भी जो असेंडिंग चेन बनेगी उसको टर्मिनेट होना पड़ेगा स्टेशनरी होना पड़ेगा आफ्टर फैम आइट नंबर ऑफ स्टेप्स बट यहां तो ये यह कॉन्टिन्यू होती जा रही है हमें तो एलिमेंट्स मिलते जा रहे हैं हमें ए वन लेस देन ए लेस देन ए थ्री इन चलता जा रहा है तो अगर ये ऐसा चलता रहा तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी किसको एसीसी की डेफिनेशन को सो दिस इज अ कॉन्ट्रोडिक्शन अगर ये कॉन्ट्रोडिक्शन है तो इसका मतलब क्या है कि एल के पास एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा ही होगा उस मैक्सिमल एलिमेंट के ऊपर वो चेन टर्मिनेट हो जाएगी स्टेशनरी हो जाएगी उसके बाद वो इंक्रीज नहीं करेगी सो वी आर डन विद विद दैट की एल के पास एक मैक्सिमल एलिमेंट है अब हम ये प्रूफ करेंगे कि यही जो मैक्सिमल एलिमेंट मिला है एल को ये कैसा है रिड्यूसिबल है तो उसके लिए हम सपोज करते हैं कि वो कैसा है रिड्यूसिबल सो लेट ए बी एनी मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ एल एंड सपोज ए इज रिड्यूसिबल हमने उसको रिड्यूसिबल सपोज कर लिया ठीक है तो अगर रिड्यूसिबल सपोज किया है तो लेटस के अंदर से दो एलिमेंट्स मिलेंगे और वो दो एलिमेंट्स कैसे होंगे वो दोनों एलिमेंट्स इस ए से बड़े होंगे ए वन इज ग्रेटर देन टू ए वन ज्वाइन सॉरी ए वन मीट ए टू ठीक है सो देन तो क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो जाएगी क्यों क्योंकि हम तो बोल रहे हैं कि ए वन ए से बड़ा है ए टू भी ए से बड़ा है बट ए एक ऐसा एलिमेंट था ए हमारा एक मैक्सिमल एलिमेंट था तो ये जो हमने ए को लिखा था ए वन मीट ए टू तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया तो इसलिए जो हमने ये रिड्यूसिबल एलिमेंट कंसिडर किया था ये रॉन्ग था तो ये कैसा हुआ जो मैक्सिमल एलिमेंट ए था ये कैसा हो गया इड्यूसिबल सो so, हमने अभी तक प्रूव किया कि अगर चेन के अंदर असेंडिंग चेन कंडीशन होल्ड करती है तो उसके पास एक मैक्सिमल एलिमेंट होता है और वो मैक्सिमल एलिमेंट इड्यूसिबल एलिमेंट होता है बहुत बार में सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाता है बहुत बार आया है ये क्वेश्चन कि एसीसी अगर लेटेस्ट में होल्ड करती है तो प्रूफ करो उसके पास एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा जो कि इ होगा तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही प्रूफ करना है यहाँ तक बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों को लगता है ये थ्योरम तो हमें कराई नहीं गई है अब हमारा जो Uh, चीज बची है हमारे मेन प्रूफ पे आते हैं कि हमें क्या प्रूफ करना है कि हम लेटेस्ट के हर एलिमेंट को जीएलबी और फाइनाइट नंबर ऑफ रिड्यूसिबल एलिमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं तो अब हमने क्या किया उसके लिए एक सेट डिफाइन किया उस सेट के अंदर लेटेस्ट के वो एलिमेंट लिए जिनको हम जी एल बी और फाइनाइट नंबर ऑफ रिड्यूसिबल एलिमेंट की फॉर्म में नहीं लिख सकते यहाँ पे कांट भी लिखा है ठीक है ये कीवर्ड्स ध्यान रखा करो यहाँ पे लिखा है कांट बी रिटन एज द जी एल बी ऑफ फनाइट नंबर ऑफ इड्यूसेबल एलिमेंट्स इन एल तो अगर हमें थ्योरम को प्रूफ करना है थ्योरम में हमें ये प्रूफ करना है कि हम हर एलिमेंट को लिख सकते हैं और हम ये सेट लेट कर रहे हैं जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जिनको हम जी एल की फॉर्म में नहीं लिख सकते अगर हमें थ्योरम प्रूफ करनी है सो वी नीड टू प्रूफ कि दिस सेट इज एम्प्टी ठीक है सो टू प्रूव द थ्योरम वी प्रूव दैट एफ इज इक्वल्स टू फाइव ये एम होगा सो so, हम सपोज करते हैं क्योंकि हमारे लिए सबसे ईजी मेथड होता है किसी भी चीज को प्रूव करने का कॉन्ट्रडिक्शन मेथड सो हमने ये सपोज किया कि ये एम नहीं है ठीक है सो एफ इज नॉट नॉन एम सो एसी कंडीशन तो लेटेस्ट के अंदर होल्ड करती है अगर ए कंडीशन होल्ड करती है तो मैक्सिमल एलिमेंट मिलता है अभी प्रूफ किया था तो f के पास मैक्सिमल एलिमेंट होगा तो लेट से दैट एलिमेंट इज a नाउ a बिलोंग्स टू f अगर कोई भी एलिमेंट f से बिलोंग करता है तो हम उसको glb ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ रिड्यूसिबल एलिमेंट में नहीं लिख सकते तो हम a को भी glb of फाइनाइट नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट में नहीं लिख पाएंगे और अगर मैं ज्यादा पर्टिकुलरली बात करूं तो हम कहेंगे कि a ही इररिड्यूसिबल होगा अगर ए इड्यूसिबल होगा तो हमें ए वन ए टू नहीं मिलेंगे सच दैट ए इज इक्वल टू ए वन मीट ए टू वेर ए वन इज ग्रेटर देन ए एंड ए टू इज ग्रेटर देन ए इज दैट क्लियर अब देखो नाउ ए वन इज ग्रेटर देन ए एंड ए इज ए मैक्सिममल एलिमेंट ऑफ एफ क्योंकि ये इड्यूसिबल नहीं है ना इड्यूसिबल नहीं है मतलब रिड्यूसिबल है और अगर रिड्यूसिबल है तो हम ए को लिख पाएंगे ए वन मीट ए टू और अगर आप मीट में लिख पाओगे तो यहाँ पे ये कैसे एलिमेंट होते हैं ए वन इज ग्रेटर क्या था ए वॉज द मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ एफ एफ का मैक्सिमल एलिमेंट ए है ए से बड़ा कोई और नहीं हो सकता तो अगर ए वन और ए टू ए से बड़े हैं दैट मीन्स दीज आर नॉट द एलिमेंट ऑफ एफ So a one does not belongs to F and a two does not belongs to F. Is that clear? अगर ये दोनों F से belong नहीं करते तो हम इनको लिख पाएंगे finite number of reducible element की form में तो यहाँ पे GLB of finite number of reducible element की form में हम लिख पाएंगे तो यहाँ पे ये हमने ले लिया M finite number of elements for A, A one एंड दिस इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिड्यूसिबल एलिमेंट फॉर ए टू सो हम लिख पाएंगे ए वन इज इक्वल टू जी एल बी एफ क्यू वन क्यू टू क्यू एम एंड ए टू इज इक्वल टू जी एल बी एफ आर वन आर टू आर एन विज क्यू वन क्यू टू क्यू एम एंड आर वन आर टू आर एन आर इड्यूसिबल एलिमेंट तो ए क्या था ए था ए वन मीट ए टू सो ए वन की वैल्यू लगा दो और ए टू की वैल्यू लगा दो ये दोनों ठीक है जैसे ही आपने वैल्यू लगाई तो ये प्रॉपर पूरा ये क्या बन गया जीएलबी बन गई किसकी Q1, Q2, QM, R1, R2, RN की क्यू Q1, Q2 ये सारे एलिमेंट्स कैसे हैं इड्यूसिबल तो हमने A को कैसे लिख पाए A को हमने लिख दिया जीएलबी ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इड्यूसिबल एलिमेंट क्योंकि ये थे M एलिमेंट्स और ये थे एन एलिमेंट सो दीज आर एम प्लस एन एलिमेंट एंड एम प्लस एन इज ए फाइनाइट क्वान्टिटी तो हमने ए को लिख दिया जी एल बी ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इ रेड्यूसेबल एलिमेंट एन एल बट दिस इज अ कॉन्ट्रोडिक्शन क्योंकि ए किसका एलिमेंट था एफ का ए एफ का मैक्सिमल एलिमेंट था और एफ में हम कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं डाल सकते जो कि जी एल बी ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इरिड्यूसेबल एलिमेंट्स में लिख दिया जाए सो दैट मीन्स दिस इज़ अ कॉन्ट्रोडक्शन और ये कॉन्ट्रोडक्शन क्या प्रूफ करती है कि जो हमने सपोज किया था कि एफ इज नॉन एम टी दैट इज फॉल्स सो एफ कैसा होगा एफ होगा एम टी सो दिस एम्प्लॉइज एफ इज इक्वल्स टू फाइव ऑन दिस कंपलीज योर प्रूफ